लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ए, ऑटो इधर क्यों रुका है? वो देखो, एक बुड्ढी धूप में अकेली चलती हुई आ रही है। मतलब क्या हम लोग बारिश में खड़े हैं? हम लोग ऑटो में चल रहे हैं और वो धूप में चल रही है। उसके पास चप्पल नहीं है, उल्टे उसके सर पर वजन भी है। तो एक काम कर। क्या? अपना चप्पल उससे दे और उसका वजन अपने सर पे रख। नेवर माइंड, अपना मुंह बंद करो। तुम पॉलिटिक्स में जा रहे हो इसलिए मैं तुमको एक रास्ता बता रहा था, तुम तो मेरे सर पर बैठ गए। अरे क्या है तुम्हारी? तुम बहुत बड़े नेता हो, बड़े समाज सेवक हो, ऐसा ढिंढोरा पीटते रहते हो, साथ में फोटोग्राफर को लेके घूमते रहते हो। तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, उस बेचारी बुड्ढी को यहाँ लेकर आओ, उसे ऑटो में बिठाओ और घर तक छोड़ दो। इतनी सी बात है तो वही स्टाइल फॉलो करता हूं। तुम गुस्सा क्यों रहे हो इतना? अब देख माजी, ये देख के मेरा कलेजा फट रहा है। इस उम्र में बोझ उठाई है, सर पर धूप लग रहा है, पैरों में चप्पल नहीं है और इतना वजन उठाकर कहाँ जा रही है माजी? मैं तो अपने घर जा रही हूँ। बस में भी तो जा सकती हो माजी। तो बस वाले मुझे अंदर नहीं ले रहे? डोंट वरी, अगर वो तुम्हें नहीं ले जाएंगे तो मैं तुम्हें अपने ऑटो में बैठा कर ले जाऊंगा। लाओ ये टोकरा मेरे सर पे रख दो। लाओ माजी। वो आगे बेटा चेक पोस्ट है, उसको क्रॉस करके आगे छोड़ दोगे? चेक पोस्ट के आगे जाना है? हाँ। तो ठीक है, उतार दूंगा। सर 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 सर, इनके साथ एक फोटो, उनके कंधे पर हाथ रखो। बेचारों का एक ही सहारा, मांडोले जी। तकलीफ होगी, मैं नेता स्टाइल फॉलो कर रहा हूँ और तुम भी कुछ ना कुछ फॉलो करो। तुम ऑटो को फॉलो करो, ए तुम रोड को फॉलो करो, चलो। आइडिया देने वाला मैं हूँ और ऑटो में बैठकर तुम जा रहे हो। आज से हमारे रास्ते अलग है, तुम इस रूट से जा रहे हो, मैं उस रूट से। रोको रोको, पीछे रोको। दिमाग नहीं है तुम्हें? क्यों ऑटो रुकवाया? तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं सरपंच मांडोली हूँ। मैं कौन हूँ मालूम है? चेकिंग इंस्पेक्टर ऑफ दिस टाउन है। तो क्या हुआ? अच्छा, इस टोकरी में क्या है? लाल लाल टमाटर है। और टमाटर के अंदर क्या है? इसके अंदर और क्या होगा? बीज है बुढ़बाक, इसको दबाओगे तो जूस निकलेगा और तुम उसे पी लेना। नाटक कर रहे हो? नाटक मैं कहाँ कर रहा हूँ, वो तो एक्टर लोग करते हैं। टोकरी चेक करो इसका। क्या है ये? टमाटर दबाओगे तो उसमें से जूस निकलेगा। ए बेवकूफ आदमी, इनके हाथ मत लगना, तू भाग जा, भाग जा यहाँ से, जल्दी से। रे? तुम दोनों माँ बेटे मिलकर दारू का स्मगलिंग करते हो? हाँ, चलो चलो इनको लेके चलो अंदर। हमारे राज्य के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रघुनंदा को दिल्ली का बुलावा। ये क्या, पेपर में इनकी फोटो क्यों छपी है? न्याय के लिए इन्होंने अपने बेटे तक को भी सजा दिलवा दी है, इसलिए हमारे राष्ट्रपति ने इन्हें दिल्ली बुलवाकर सुप्रीम कोर्ट में पदवी दी है। हमारे पूरे राज्य के लोगों को इनके ऊपर गर्व करना चाहिए। पर 6 साल पहले तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, था पर 6 साल पहले जो इस्तीफा उन्होंने दी थी, कानून ने उसे स्वीकार नहीं किया। मंगला, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वापस पदवी दी है। कैसे बर्दाश्त करूं मैं ये खबर डैडी? आपका मुख्यमंत्री बनने का सपना वो तो अधूरा रह गया और अभी वही रघुनंदा सुप्रीम कोर्ट का जज बनने जा रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट का जज ना बन पाए इसके लिए आप ही कोई रास्ता बताइए। आपसे मिलने आई है। क्यों आई हो बोलो? मुझे जिंदगी में सेटल होना है धर्मा जी। ऐसा कुछ भी करने का मेरा मूड नहीं है। मैं खुद को बेचने के लिए नहीं आई हूँ यहाँ, आपको कुछ आइडिया देने आई हूँ। क्या? तुलसी के बारे में। वो मानेगी क्या? उसे मैं मना लूंगी, उसका जो राज है उसका सौदा करने आई हूँ। क्या है वो? मैं छोटी रकम नहीं लूंगी धर्मा जी, बहुत बड़ी रकम चाहिए मुझे। दूंगा, बोलो। तुलसी कोई और नहीं है, जज रघुनंदा की बेटी। ये सच है क्या? मंगला छोटा मोटा खेल नहीं खेलती, ये राज अच्छे अच्छों की जिंदगी में ज्वालामुखी भर देगी। मैं तो खाली हाथ शिकार करने के लिए जा रहा था, लेकिन तुमने तो मेरे हाथ में खंजर ही रख दिया मंगला। थैंक यू वेरी मच। अरे अरे, कहाँ भाग रहा है? दूसरा पैर भी बाकी है। ओ,
तुम आ गई। ये क्या मौसी, जब भी देखो दिन भर घर में बैठ के पान खाती रहती हो तुम, कोई काम करती नहीं हो और चिल्लाती रहती हो, कुछ करती क्यों नहीं? अरे पागल लड़की, खाने की चीज का आनंद उठाना चाहिए। अरे भाई जिंदगी का नाम ही है मजे लेना, जब उम्र बीत जाएगी तब पछता कर क्या होगा। मेरे समझाने से कहां समझे। अरे ए, जाओ चार पांच गिलास लेकर के आओ। कौन है आप लोग? हम दरिंदा हैं। अरे अरे, इस घर में एक जवान लड़की रहती है, अगर इस वक्त आप लोग बैठकर यहाँ पर शराब पियोगे तो इसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मौसी, तुम अपना मुंह बंद करो और तुम लोग यहाँ से जाओगे या नहीं, या मैं मोहल्ले वालों को बुलाऊं? हाँ बुलाओ, हम लोग यही कहेंगे कि हमें पैसे दे करके बुलाया गया है। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप लोग यहाँ से चले जाइए। धर्मा सिंह, हमें यह घर बेच दिया है, और ज्यादा कुछ बोलोगी तो हम तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, समझ लो। हाँ कौन हो तुम लोग? नमस्ते सर। तू आधे रात को इधर क्या कर रहा है? आपने ही तो हमें ये घर बेचा। बकवास बंद कर। तो क्या आधी रात को तुम लोग इधर आने का ठेका ले रखा है? मुझे ये घर तुम लोग को बेचने की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से, जाओ। देखा तुलसी, आज तो मैं समय पर आ गया इसलिए तुम बच गई, पर कल मैं समय पर नहीं आया तो? देखो तुलसी, कब तक लोगों को यहां आने से रोकती रहोगी तुम? तुम इतने बड़े जज की बेटी हो, यहां रहने की जरूरत क्या है? मंगला, तुमने बताया नहीं इसके पिता कौन है? नहीं बताया, बताने के लिए इसकी माँ ने मुझे कसम दी थी। तो क्या हुआ, जब इसके पिताजी जिंदा है तो इसे अकेले रहने की जरूरत क्या है, बताओ इसे। मैं नहीं बता सकती हूँ, नहीं बता सकती हूँ। मौसी, मेरा बाप कौन है, बताओ मौसी, बताओ। नहीं, नहीं, नहीं। मैं बताता हूँ तुमको, जिस योगेंद्र के खिलाफ तुमने न्यायमूर्ति के सामने अदालत में झूठी गवाही दी थी, वही न्यायमूर्ति रघुनंदा ही तुम्हारा बाप है। तुम्हारे पिता को शायद तुम्हारे बारे में पता भी नहीं होगा, उन्होंने तो खुद अपने लड़के को ही सजा दे दी थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो तुमको जरूर अपना लेंगे। जज साहब से मिलना है। मैं बुलाती हूँ, तुम धूप से चलकर आई हो, अंदर बैठो, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। कौन हो तुम? मैं कनक लक्ष्मी की बेटी हूँ। यहाँ क्यों आई हो? Shut up! जल्दी जाओ यहां से तुम। Get out! Get lost! वो लड़की कहां गई? Wrong address पर आई थी, चली गई। क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं, जाओ तुम। गेट आउट बोला, कैसा इंसान है वो? जी हाँ, मैं भी एक लड़की का पिता हूँ, बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी सही परवरिश करना बड़ी बात होती है। हाँ, जिले में हम लोग भी है, तुम फिकर मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ है। तुलसी डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग सब है ना तुम्हारे साथ। अगर वो खुद को इतना बड़ा दिमाग वाला समझता है तो हम सब भी 30 मार खा है, समझ गयी? तुम जाकर अपना हक मांगो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम फिकर मत करो,
हम सब तुम्हारे साथ हैं। जिस इंसान ने तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाला है वही तुम्हें अपने घर के अंदर बुलाएगा। तुम अपने हक के लिए लड़ो। तुलसी को न्याय दो, 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 तुलसी को न्याय दो। जय रघुनंदा, जय रघुनंदा, जय रघुनंदा, जय रघुनंदा, तुलसी को न्याय दो, तुलसी को न्याय दो, तुलसी को न्याय दो, जय रघुनंदा, जय रघुनंदा, जय रघुनंदा, जय रघुनंदा, जय रघुनंदा, जय रघुनंदा, तुलसी को न्याय दो, तुलसी को न्याय दो, रुक जाओ। नमस्ते साहब, मैं एक सीनियर पत्रकार हूँ, मेरा नाम विपुल रुदल है। आप लोग जो भी कर रहे हो वो गलत है। क्या गलत है? हमारे जिले का सॉरी हमारे जिले का आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने जा रहा है और तुम लोग बीच में टांग अड़ा रहे हो, ये गलत है। बात करोगे? तुम इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा आराम से समझाओ भाई। हमारे यहाँ का एक आदमी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने जा रहा है और तुम लोग बीच में आ रहे हो। मैं तुम लोगों की धज्जी उड़ा दूंगा, मैं छाप दूंगा पेपर में, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं छाप दूंगा पेपर में, छोड़ो मुझे, देखो तुम्हारे बारे में भी छापूंगा मैं। जय रघुनंदा, जय रघुनंदा, जय रघुनंदा, तुलसी को न्याय दो, 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 जय रघुनंदा, जय रघुनंदा, जय रघुनंदा, जय रघुनंदा, तुलसी को न्याय दो, तुलसी को न्याय दो, तुलसी को न्याय दो। शांत हो जाओ चैतन, जिस तरह से सिंहासन पर शान से बैठता है ये उसी तरह बैठा है। बच्चा पैदा करने से नहीं होता, पालना भी पड़ता है। अंदर बैठने से कुछ नहीं होगा, अपने पिताजी को बाहर बुलाओ तभी समस्या का समाधान हो पाएगा। ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बन रहा हूं इसलिए मुझे फंसाने की साजिश की जा रही है। ये सब उनका मास्टर प्लान है। जिस तरह इस लड़की को सामने रखकर उसकी गवाही से तुम्हें फंसाया गया, उसी तरह ये लोग मुझे भी फंसाना चाहते हैं। That is enough. अब ये मैटर मैं सुलझाऊंगा। ये सब उखाड़ कर फेंको। क्या उखाड़ना है? तेरा बना बनाया ये टेंट उखाड़ने आया हूँ मैं। क्या बोला तू? तेरी जान। उस वक्त तूने गवाही दी कि मैंने मर्डर किया है लेकिन मैंने तुझे छोड़ दिया था, और आज तू मेरे बाप की इज्जत उछाल रही है। बोल कितने पैसे दिए तुझे? ए, बता ये सब नाटक करने के लिए तुझे कितने पैसे मिले? योगी रुक जा, छोड़िए मामा जी, मुझे छोड़िए। जो गुनाह मैंने नहीं किया उसकी सजा तो मैं भुगत चुका हूँ, आज मैं गुनाह करके सजा भुगतना चाहता हूँ। छोड़िए योगी, योगी नहीं, योगी ये लड़की सब कह रही है, ये तुम्हारी बहन है,
तुम्हारे पिता का खून है।